जो भी बातें हुई टीएफटी इंडिया न्यूज 24 और टीवी भारत के दर्शकों ने देखा। सवाल सीधे हैं, जवाब सीधे चाहिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मंत्री हो, या सत्ता पे बैठे हुए हो, या विपक्ष के लोग हो, लेकिन आवाज टीएफटी इंडिया न्यूज 24 और टीवी भारत 75% बसने वाले हिंदुस्तान के आबादियों के तरफ से उठा रही है। किसी को अगर मिर्ची लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने घर के दरवाजे और कान में रुई भी डाल सकता है, स्वागत होगा उसका। अगर साहस है सुनने का तो कान में तेल डाल करके भी सुन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे मुद्दों पे बात करने के बाद अब 2011 और 2012 का भी याद आता है, बाबा रामदेव का भी याद आता है, जो विश्व गुरु योगा के माने जाते हैं। 35 रुपया पेट्रोल देने वाले बाबा रामदेव आज नजर नहीं आते हैं। अन्ना हजारे आंदोलन करने वाले आज नजर नहीं आते हैं, जो अपने आप को आंदोलनकारी बोल करके आए थे कि हम आजादी के समय लड़े थे। अन्ना हजारे ने आंदोलन में से जो आजादी में अपना उतना बड़ा कोई योगदान दिया है, नॉर्मल अगर माना जाए तो हिंदुस्तान में बसने वाले उस समय के 40 करोड़ जनता, पूरे 40 करोड़ लोग आजादी में सम्मिलित थे, उसी में एक अन्ना हजारे भी थे। अन्ना हजारे को ये बहुत बड़ा तबदा नहीं दिया जा सकता, भले जो मानता हो माने, लेकिन खुला चैलेंज है। अगर उनका योगदान है तो कहाँ है? रविन्द्रनाथ टैगोर का जिक्र है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, चंद्रशेखर आजाद का भी है, भगत सिंह का भी है, जिन्हें दुनिया हमेशा याद करेगा, जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। लेकिन आज सवाल धर्मेंद्र प्रधान से भी उठेंगे, जो भारत के पेट्रोल मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री। पहले तो ये टीवी इंडिया न्यूज 24 के दर्शकों को समझ नहीं आ रहा है, या 75% वाले इस हिंदुस्तान को ये समझ नहीं आ पा रहा है कि सत्ते में जो बैठे हैं सबके सब चाय बेचने वाले हैं या चौकीदार हैं। कभी कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, कभी कहते हैं कि मैं तो झोला उठा के आया हूँ, झोला लेकर चलूंगा। प्रधानमंत्री जी, इस बार आप जब जाएंगे तो आपके झोला भी चेक करेगा 75% वाला या हिंदू। सवाल क्यों ना उठे, जब नोटबंदी हुई और सिर्फ 4,000 रुपए एक व्यक्ति को देने का आदेश हुआ और गाइडलाइन जारी हुआ, तो एक प्राइवेट बैंक में 1,000 करोड़ रुपया कैसे जमा हो गए? अगर प्रधानमंत्री जी आपने काला धन वापस लाने के लिए नोटबंदी की तो काला धन गया कहाँ? जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने जितने नोट छापे थे उतने नोट तो आपके पास जमा हो गए, तो काला धन कहाँ गए? सवाल इस पे भी उठेंगे कि आपने कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, ये जुमले कैसे मान ले, आपके कहने से जुमले कैसे मान ले ये देश? लोग कहते हैं कि सरकार ने जुमले, कैसे जुमला मान ले, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की अहमियत होती है इस देश का। जहाँ 140 करोड़ की आबादी बसती है, उस देश का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री अगर बोलता है तो उसके बातों में वजन होता है। आपने अब की बार ट्रंप सरकार का भी नारा दे दिया, आपको वीजा नहीं मिल रहा था जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री होने के बाद आप अमेरिका भी गए, ओबामा से भी आपने मिला, ट्रंप का स्वागत भी आपने किया, उसी गुजरात में जहां 250 करोड़ की मूर्ति बनाई गई। मूर्ति बनाना शायद आपके लिए सही है, आप दाढ़ी बना करके रविन्द्रनाथ टैगोर शायद बन सकते हैं, लेकिन एक कीचड़ों में रहने वाला, इस धूल मिट्टी में रहने वाला, अगर बेटे ने फोन नहीं किया तो बाप ने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप इस देश का नेतृत्व करते हैं, एक बाप बेटे को पैदा करता है, अगर बेटा नालायक भी निकल जाए तो बाप का फर्ज होता है बेटे को समझाना। आप आकर इन्हें समझाए क्यों नहीं कि ये 3 कानून सही है? आप आकर इन्हें डायरेक्ट क्यों नहीं कहते कि MSP था और है रहेगा? ये लिख करके क्यों नहीं देते? क्या डर है प्रधानमंत्री जी, आपको क्या डर है? जब आपकी प्रधानमंत्री और विधायक सांसद की सैलरी बढ़ सकती है तो इनके अनाज के दाम क्यों नहीं? आप 10,000 रुपए किलो का मशरूम खा सकते हैं, ये 40 रुपए की भिंडी क्यों नहीं खा सकते? क्यों नहीं खा सकते प्रधानमंत्री? 2,000 के सूट क्यों नहीं पहन सकते? अगर एक सफेद कुर्ते और पैजामे पहने हुए हैं, आप धोती पहने हुए हैं, 4 पहिया गाड़ियों में चल रहे हैं, तो आप कहते हैं ये किसान नहीं हो सकते, आप चाय बेचने वाला कैसे? करोड़ रुपया बैंक से लेकर 1,000 करोड़ आप क्या बैंक से?
कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। विजय माल्या जो किंगफिशर के मालिक थे, 30,000 करोड़ रुपये का जिन्होंने लोन लिया था, अगर 2 लाख रुपये के किसान लोन लेते हैं तो इनके खेतों को जब्त कर लिया जाता है। तुर्की कहा जाता है देहातों में, और कुछ जगहों पे नीलाम कहा जाता है, वो जब्त कर लिए जाते हैं, नीलाम कर दिए जाते हैं, उसका लेटर तहसीलों में भेज दिए जाते हैं। कानगो और तहसीलदार SDM वहाँ और बैंक के कर्मचारी उनके घर को ऐसे फोन डालते हैं कि वो फांसी लगाने को मजबूर हो जाते हैं और बहुत सारे फांसी लगा के दिए। आज के समय में 3 लाख करोड़ के नुकसान पे ये किसान बैठे हुए हैं MSP ना मिलने के कारण। और प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2014 में ये कहा था कि किसानों के गन्ने का भुगतान 14 दिन में मिलेगा, अगर 14 दिन में ना मिला तो उनसे प्याज के साथ मिलेंगे। लेकिन 2021 में भी 12,000 करोड़ रुपए का सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों का, गन्ना किसानों का बकाया राशि है सर, 12,000 करोड़ बकाया राशि है गन्ना किसानों का उत्तर प्रदेश का, जबकि 14 दिनों में भुगतान करने की बात हुई थी, नहीं 14 दिन में हुआ तो क्या समेत होगा, कभी और तो नहीं हुआ। 2021 से भी गन्ना काट करके आप लोगों ने मिलों में पहुंचाया, पैसे मिल गए। जाने वाले चले जाएंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, इसका मतलब कि इतिहास अपने आप को फिर दोहराने जा रहा है। फिर बात वहीं पे जयप्रकाश नारायण की आ जाती है, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तख्ते को पलट दिया। आप गांव की पुकार कहा हो सरकार, गाजीपुर बॉर्डर से TFT इंडिया न्यूज 24 के माध्यम से देख रहे हैं। इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है, सेमीफाइनल 2022 में है और फाइनल मुकाबला 2024 में होगा। जिस तरह से ममता बनर्जी को टारगेट बनाया गया था, जिस तरह से 2014 में कांग्रेस को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को टारगेट बनाया गया था, जिस तरह से बाबा रामदेव ने कहा था कि विदेशी हमारे देश पे राज नहीं कर सकता, लाना पहले वैसे बाबा पे जो आज कहता है 106 रुपये के बाद भी क्या हुआ, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, थोड़ा आपका योगदान तो चाहिए। लानत है वैसे प्रधानमंत्री पे और लानत है वैसे गृह मंत्री पे जो अच्छे दिन का सपना दिखा करके घर के चूल्हे पे लकड़ियां भी अपने पास खींच लिए। आप देखते रहिए TFT इंडिया न्यूज़ 24, क्योंकि जब अगर आप चाय बेचने वाले थे तो लाजमी है कि आपके जेब में चवन्नी तो होगी नहीं, चाय बेच के ही किराया इकट्ठा किए होंगे या उसी तरह किराया लेकर के आए होंगे। जब आप कह रहे हैं कि 1980 में हम डिजिटल कैमरा से फोटो खींचे थे, तो 1980 में तो डिजिटल कैमरा पैदा हुआ नहीं था, डिजिटल कैमरा तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लाया था, कंप्यूटर तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लाया था, रेलों को तरक्की तो क्या नाम है कि इंदिरा गांधी ने दिया था। आज इंदिरा गांधी को यह देश याद करेगा जो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी और भावी नेता थी, कि जिसके सामने खड़े होने के लिए अच्छे अच्छे की फट जाती थी। अगर आप अपने आप को इस तरह कह सकते हैं तो TFT इंडिया न्यूज 24 चैलेंज के साथ कहता है कि इंदिरा गांधी के सामने खड़ा होने में फट जाती थी लोगों को, लेकिन JP आंदोलन ने, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने बिहार से जो आंदोलन उत्पन्न हुआ था, उस आंदोलन ने उसी इंदिरा गांधी का सत्ता हिला करके रख दिया और तख्ते को पलट कर दिया। आज 75% की आबादी गाजीपुर बॉर्डर से TFT इंडिया न्यूज 24 ताल ठोक कर चैलेंज करता है कि 75% यहाँ है और JP नारायण के आंदोलन को याद कर रहा है, वही किसान के रूप में तब्दील हो चुका है। ये किसान आंदोलन नरेंद्र मोदी के तख्ते को भी पलट सकता है। लोग कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, आज वाकई इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। TFT इंडिया न्यूज 24 और डी भारत के माध्यम से इस देश के 140 करोड़ जनता को तो मैं नहीं कहूंगा, 100%
बिल्कुल नहीं करूंगा। जिसे मिर्ची लगती हो पूरे छान झलकिया के साथ लग जाए। और छान झलकिया से बता दूं सर आपको, ये छान झलकिया आसाम में पैदा होता है और बंगाल में, बाकी कहीं भी छान झलकिया पैदा नहीं होता है। मिर्ची को कहा जाता है, यह वो मिर्ची है कि देखने में बहुत छोटी होती है लेकिन इतनी तीखी होती है कि आपके मुंह में छाले पड़ जाएंगे। जैसे ये बॉर्डर पर बैठे किसानों के पैर में छाले पड़ रहे हैं, उस छान झलकिया से आपके मुंह में छाले पड़ जाएंगे। कभी मन की बात करने के लिए रेडियो पे आप नहीं आए। आज धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री का भी हम बात करेंगे। समझ ये नहीं आता कि किशोरों से आए हैं या पीएचडी करके आए। पीएचडी का एक बहुत ही सम्मान होता है हिंदुस्तान में, भारत की तो बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि भारत तो विश्व गुरु बनने जा रहा है। भले लाशों से रेतों में लाशें को ढेर पड़े हों, नदियाँ में लाशें बह रही हों, किसान के ऊपर आंसू के गोले छोड़े जा रहे हों, डंडे बरसाए जा रहे हों, लेकिन सर जो डंडे बरसा रहे हैं ना वो भी उन्हीं किसानों के बेटे हैं। कहीं वो डंडे घूम गए ना तो बैठने लायक शरीर नहीं रह जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री को भी एक चीज कहूंगा, अब 35,000 करोड़ टीका के लिए फंड रिलीज कर रहे हैं, इसकी बात तो कहे। वो टीका है कहां धर्मेंद्र जी, कहां है? और आप पेट्रोलियम मंत्री हैं, टीके की बात कैसे कर सकते हैं? क्या स्वास्थ्य मंत्री इस देश में नहीं है क्या? अगर स्वास्थ्य मंत्री है तो क्या वो आईसीयू में जा चुका है क्या, जो स्वास्थ्य के ऊपर बात करने के लिए सामने नहीं आ सकता? मन की बात करने के लिए आप सामने आ सकते हैं, स्वास्थ्य की बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं आ सकता? कहां डूबे हुए हैं? कहां है इस मिर्ची लाली जो सर के ऊपर गैस का सिलेंडर लेकर के नाचती है? कहां है आपका उज्जला? कहां है आपका जो घर घर में आप चूल्हा बंद करा करके गैस चूल्हा दे रहे थे? वो गैस आज भी सर रहे हैं लोगों के पास। हम टेप इंडिया न्यूज 24 ने मध्य प्रदेश का गांव का सर्वे करके आपको दिखाया था कि वो सिलेंडर पड़े हुए हैं। आपने प्रधानमंत्री आवास की बात कही, देश ने मानी, फार्म भरे, 170 रुपया फार्म भरने के लगते हैं। आपने हजारों करोड़ लोगों को फार्म भरवा दिया, पता नहीं लाखों करोड़ रुपए आपने लूट लिए, वो भी तो एक घोटाला है ना। लोगों को आवास मिले कहाँ, उनका नाम लिस्ट में आ गया, आपने पैसे भी ट्रांसफर कर दिए लेकिन उनके खाते में नहीं पहुंचे, उनको घर नहीं मिले, उनके घर से तारे दिखाई देते हैं जैसे गाजीपुर में बैठे किसानों के ऊपर एक ब्रिज दिखाई दे रहा है। अब ब्रिज को भी दिखाइए, उस ब्रिज को भी ऊपर दिखाइए, जो ब्रिज भी है इसका, जिसके घर जो छत के अंदर होने चाहिए, जो झोपड़ियों के अंदर होने चाहिए, इस तपती धूप में ब्रिज के नीचे बैठ करके सहारा ले रहे हैं लोगों का। लानत है प्रधानमंत्री जी, आपको जो सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया, अगर आपको सुखी भगना था तो किसी का लूट करके भग लिए होते, देश छोड़ के आप भी माल्या की तरह भाग गए होते, आप भी नीरव मोदी की तरह अपना घर बार दूसरे जगह बसा लिए होते। आज प्रधानमंत्री जी आपने जो 2014 में इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में लिखा कि मैं शादीशुदा हूँ, आपने अपने कपड़े अपने खुद ही खोल, उस महिला के ऊपर क्या गुजरा होगा जो इतने सालों से आपने जिस महिला को छोड़ दिया? एक छोटे से बालक से पूछिए जो किसी लड़की को अगर प्यार करता है ना प्रधानमंत्री जी, तो दिलो जान से चाहता है, हर चीज उसके ऊपर लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। अपने माँ बाप से झूठे फोन करके उनसे 10 रुपया 100 रुपया ले करके आता है प्रधानमंत्री जी और उसकी इच्छा पूरी करता है। और आपने तो उस महिला को इतने आंसू रुलाए हैं कि उसके आंखों में आंसू नहीं बचे हैं बहाने के लिए, आंसू नहीं बचे हैं प्रधानमंत्री जी। उससे पूछिए उस दिल पे क्या गुजरता है जो किसी की प्रेम का अगर छोड़ करके जाती है, उससे पूछिए कि उसका क्या गुजर, उस महिला के क्या गुजरता है जब उसका प्रेमी उसे छोड़ करके जाता है।
और फिर सोचा बेन को उससे पूछते कभी कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजरता है, तो ये देश सोचता किस तरह मान ले कि आप चौकीदार हैं। चौकीदार का मतलब ये नहीं होता है, चौकीदार का मतलब होता है कि दरवाजे पर एकदम खुली निद्रा में जगा रहता है, डंडे लेकर के जगा रहता है कि एक मच्छर भी अंदर ना जा पाए और वहाँ कहीं नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जी आप चौकीदार मत बोलिए अपने आप को, और चाय बेचने वाला ना बोलिए। चाय बेचने वाला 2 करोड़ का सूट नहीं पहन सकता, प्रधानमंत्री जी नहीं पहन सकता। यशोदा बेन का क्या ना कि दर्द है हिंदुस्तान में बसने वाले। प्रधान जी ये कहते हैं कि पेट्रोल के बात मत कीजिए, क्यों ना करें उस पेट्रोल और डीजल को सबसे ज्यादा यही यूज करते हैं 75% किसान। सबसे ज्यादा अगर 2 व्हीलर गाड़ियां अगर हैं तो इन किसानों के पास है, खेतों में जाने के लिए और यूरिया और खाद लाने के लिए। सबसे ज्यादा बाइक इन्हीं के पास में है जिसमें जो पेट्रोल से चलती है। प्रधानमंत्री जी पानी से नहीं चलती है, हो सकता है आप हवा से चलते हों, आपकी फ्लाइट हवा से चल सकती है क्योंकि हजारों करोड़ की फ्लाइट है। आपने बीजेपी दफ्तर भारत में हर जिले जिले में हर ब्लॉक में बना दिया जमीन खरीद करके, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गए। हम एक चीज़ जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, 2 सीटों वाली बीजेपी जो 350 सीट पे आ गई, अचानक उसके पास इतने धन कहाँ से आ गए जो कि 2017 में भारत के हर कोने कोने में अपना दफ्तर बना दिया। आखिर रातों रात वो पैसे यहाँ कहाँ से गए? आखिर आपकी उपलब्धियाँ भी याद करा रहा है टीएमपी न्यूज 24। हालांकि अभी 2-4 दिनों की बात है, 2 करोड़ की जमीन आपने 2 घंटे में 18.5 करोड़ का बना दिया। वो कहीं लानत है आप पे, लानत है आप पे जो भीख मांग के चंदे जमा किए राम मंदिर बनाने के लिए, उसी जमीन में आपने 16.5 करोड़ का घोटाला कर दिया, 16.5 करोड़ का घोटाला कर दिया। इसका जवाब कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट से जवाब नहीं चाहिए। ये 3 कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाए थे, इसका 3 कानून का रास्ता इन बॉर्डर से पार्लियामेंट को जाता है। पार्लियामेंट में ही कानून बनते हैं, पार्लियामेंट से ही सवाल होंगे और सीधे सवाल होंगे। प्रधानमंत्री जी आप किसी को पप्पू कह सकते हैं, लेकिन आपसे कहीं अच्छा वो पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया। धर्मेंद्र प्रधान ने से एक पूछे गए सवाल में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोरोना के बात कर लीजिए, और एक बड़ी ही ताज्जुब वाली बात है कि प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जब भी स्क्रीन पे आते हैं तो प्रधान 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 ही हो जाते हैं, कभी कोरोना प्रधान, कभी पेट्रोल प्रधान, कभी शिक्षा प्रधान, कभी लाशों पे प्रधान। अरे आपको पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है या प्रधान गांव का बनाया गया है कि हर मुद्दे पे आप ही बात करें? हर मुद्दों पे बात करने के लिए आपको पेट्रोलियम प्रधान नहीं मंत्री बनाया गया है, प्रधान जी नहीं बनाया गया है। आप लोगों के इन सारे मुद्दों पर सारे बातों का ताल्लुकात इन किसानों से ही जुड़ता है, इन किसानों के मांगों से ही सारे कनेक्शन जुड़े हुए हैं। हर आपके तार इन किसानों से जुड़ते हैं, आपके जो भी स्टेटमेंट आते हैं या शिक्षा को लेकर के आए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इन किसानों पे पड़ता है, आपका पेट्रोलियम से लेकर के आए तो इन किसानों पे उसका प्रभाव पड़ता है, आपका किसी भी मुद्दे पर।